मैनू पंजाबी नहीं आती और मैंने यहाँ से आज लोगों को ये कहना है कि यार मुझे नहीं पंजाबी आती। वे हो तुसी की हाल है ताड़ा? क्या कह रहे हैं? पूछ लो। वो कहते हैं जिसको पंजाबी आती वो मरासी होता। मरासी हो? नहीं, मुझे पंजाबी आती नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि किधर जा रहे हैं तो उससे आप बोले कि मैं इधर वहीं जा रहा हूं। किधर जा रहे हैं ये तो उर्दू में है ना? हाँ। की हाल है, किवें है, की कर रहे हैं, मतलब भी तो बताओ ना, मुझे नहीं पता। किथे जा रहे हैं तू, मतलब किधर जा रहे हो? साखा मेरा नाम है। इतनी मुश्किल है यार, थोड़े आराम। एक किस्म का देखो, जिवें मेरे मुंह निकली सी गाल एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं करनी चाहिए, बड़ी गैर शर्म लग जाना थोड़े घर लेने भी। चलो खैर, इना तो चल जाइए यार, उन पैन फिर वही गाल यार। फिर आओ भाई, तुम रोटी खवाइए, दो बड़ी पंजाबी की सुनी। पंजाबी ने सब तो कॉमन कॉमन चीज है, वे रोटी खाइए तो खवाइए। समझ नहीं आई उसने क्या कहा, लेकिन वो कह रहा हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, आई एम शमी एंड यू वाचिंग डेली धरती। नाज़रीन, मैं कराची से आया हूँ और यकीन करें मैनू पंजाबी नहीं आती और मैंने यहाँ से आज लोगों को ये कहना है कि यार मुझे नहीं पंजाबी आती, मैं कराची से आया हूँ। मान लो, अल्लाह की कसम मान लो, मैं आया हूँ बस, मुझे नहीं आती पंजाबी। सो इधर लोगों से जो है वो पंजाबी सीखेंगे और पंजाबी सीखते सीखते हम जो है बीच में थोड़ा सा फन फुन भी करेंगे। आए चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सैयद उमर। सैयद उमर साहब, पंजाबी से कितना प्यार है आप? पंजाबी से बहुत प्यार है, लेकिन आती बस 50-50 है। आती कितने बजे आती है? कितने बजे? 1-2 बजे आ जाती है। 2 बजे आ जाती है, यानी इस टाइम वो आई हुई है? थोड़ी बहुत आई हुई है। थोड़ी बहुत आई हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी आई हुई है। तो मैं बेसिकली कराची से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ना यहाँ पे आए काफ़ी देर हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो है ना लोग जब पंजाबी बोल रहे होते हैं ना, तो पता नहीं वो बीच में गालियाँ भी निकाल जाते, मुझे समझ ही नहीं आती। तो आज मैंने पंजाबी सीखनी, थोड़ी सी सिखा दें। किवें हो तुसी, की हाल है ताडा? इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है कि आप कैसे हैं? अच्छा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। कितना ठीक है? बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा, थोड़ी ही कमी रह गई है। थोड़ी जी, वाकई वो आपने वो बॉर्नविटा पीना था ना, कोई ट्रिपें लगवाई हैं? मैंने लगवाई है, इधर एक आधी इधर से लगवानी थी बस। मैं आप लगवा दें, क्या सिखाऊं आप मुझे बताएं? क्या नहीं, हड्डी वड्डियां इनका लेके आ गया, फ्री प्रमोशन है। प्रमोशन भी तो करानी पड़ती है। किसी ने क्या नहीं, कभी किसी ने कहा नहीं कभी अभी आती है आप थोड़े यार, वो मैं बीच में हट जाता हूँ ना, जहाँ से हट जाता हूँ फिर उर्दू शुरू हो जाती है ये ना। ओ की हाल है, किवें है, की कर रहे हैं, मतलब भी तो बताओ ना, मुझे नहीं पता। किथे जा रहे हैं तू, मतलब किधर जा रहे हो? अच्छा, मैं किधर जा रहा हूँ? मैं तो अभी इधर ही खड़ा हूँ। हाँ, तू की कर रहे हैं? मैं थोड़ा ना गल। हाँ, गल की कर रहे हैं? अच्छा, कहंदे या वो कहते हैं जिसको पंजाबी आती वो मरासी होता। मरासी? नहीं, मुझे पंजाबी आती नहीं है। मुझे क्यों सिखा रहे बोले? आपने कहा है मुझे सिखाए, तो आप फिर क्यों कह रहे हो मुझे पंजाबी नहीं आती? आती है तो मुझे सिखा रहे यार। जैसे अब आप थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, ऐसे मैं भी बोल लेता हूँ। मुझे आती नहीं, मैं काम मेरी जुबान से सुनी है पंजाबी। पंजाबी मैनू पसंद है, पंजाबी लोग भी बहुत मतलब बोलते हैं तो बहुत सोने लगते हैं। ठीक है, मैं सीखने गया था तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था पंजाबी सीखने के लिए धोती पहननी पड़ती है। अच्छा, सही है, कराची से आया हूँ तो मुझे पंजाबी नहीं आती। ठीक है, अक्सर लोग मेरे से बात कर रहे होते हैं पंजाबी में, तो मुझे समझ ही नहीं आती है क्या बोल रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यार अब थोड़ा सा ना पंजाब वाली लुक लेके आऊँ अपने अंदर, पंजाबी सीखूँ, मैं थोड़ी बहुत सिखाएं। ये जबान एडी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि किधर जा रहे हैं तो उससे आप बोलें कि मैं इधर वहीं जा रहा हूं। किधर जा रहे हैं ये तो उर्दू में है ना? हाँ, वो पूछेंगे किधर वहीं जा रहा हूं आगे, किधर किधर वहीं जा रहा हूं पे। हाँ, और आगे आपने कहना है कि इधर वहीं जा रहा हूं। इथे मैं वहीं जा रहा हूं, इथे किथे, इधर किधर नु? इधर बरकत मार्केट वाले पास वहीं जा रहा हूं। बरकत मार्केट? मैं तो बरकत मार्केट से लौटा। चलो बरकत मार्केट के आख में इथे बरकत मार्केट दे पार के खाना। मैं बरकत मार्केट, मेनू पंजाबी नहीं आंदी, पंजाबी सिखाओ। पंजाबी इतनी मुश्किल जबान का ही नहीं जितनी तुसी समझी वदे हो। ठीक है, ये बोलन नाल इंशाल्लाह तोनु आवे सी ते मैं अगर कराची तो मेनू आ जाएगी पंजाबी? हां आ जाएगी, मुझे सिखाए ना फिर। ये है कि दूसरा आपसे कोई क्वेश्चन आप पूछे, क्या एक लफ्ज भी नहीं पंजाबी का आता? लोग तुहाडे कोल पुछन ते ना के तुसा आखना मेरा नाम है। इतनी मुश्किल है यार, थोड़े आराम से। नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है भाई, इतनी एडी मुश्किल कोई नहीं। अच्छा, हाँ। एडी मुश्किल कोई नहीं, किस खाने वाली चीज का नाम है? नहीं नहीं, खाने वाली चीज का नहीं, जबान का नाम है। अच्छा, एडी मुश्किल कोई नहीं, ये भी कोई जबान है? हाँ,
ये कौन सी जुबान है? ये पंजाबी, यही तो है, हम उर्दू में कहते हैं कि तो आप ये कहे ना ये पंजाबी जुबान के अल्फाज हैं। हाँ पंजाबी के लफ्ज ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है? अब्दुल्ला सखेरा नाम। अब्दुल्ला क्या करते हैं? मैं ला कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ला कर रहे हैं? अच्छा मैं ना कराची से आया हूँ, मैं पंजाबी का कोई सीन नहीं है मेरे अंदर ना, तो बड़े लोग बोलते हैं और मैं जो है ना इरिटेट होता हूँ कि यार ये पंजाबी बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आती है, मैं पंजाबी सीखना चाह रहा हूँ, कोई सिखा दे। यार पंजाबी लैंग्वेज से ना सब तो पहले जी चीज़ कॉमन है ना, कॉल आ रही इग्नोर करनी है, वो चीज़ है गाली। जी पंजाबी जबान है ना, इन्हें गाली तो बगैर अगले समझ ही नहीं लगती। ये कॉमन चीज़ है कि कॉल आ रही है इन्हें इग्नोर कर दे। इग्नोर करके हम तुम साढ़े गल कर रहे कॉमन चीज़ चीज़ जरूरी है ना, कॉमन चीज़ तुम दस दी थी कि पंजाबी बंदे गाल ना कढ़ोगे तो उस बंदे समझ ही नहीं लगनी यार बंदा मैंने कहना की चाह रहा है। पंजाबी बंदे नू यानी कि मैं पहले गाल कड़ांगा फिर उस तो बाद मैंने पंजाबी एक किस्म दा देखो हुण जिवें मेरे मुंह निकली सी गाल एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं करनी चाहिए बड़ी गैर शर्म लग जाना थोड़े घर वाले ने भी। चलो खैर इन्ना क तां चलदा ही है यार हुण भैन फिर ओही गल यार फिर अच्छा हुण जिवें कि और दूसरी चीज कॉमन है रोटी यानी कि पहले तुसीं अपनी तारीफ कर दिओ उस तो बाद दस दिओ। हां इंजी समझ लो तुसीं यार एक किस्म दी एक कल्चर च इनहेरिटेड हो गई है चीज बेसिकली इहदे च कोई एडी कोई गलत गाल भी नहीं है यार। अच्छा दूसरी चीज कॉमन है आप मेरे से बात कर रहे हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरे से क्या बात कर रहे हैं मैं पंजाबी नहीं आती। अच्छा तुम पहले पंजाबी सिखानी है? पहले पंजाबी सिखानी सब तो पहले पंजाबी दे विच यार है जेड़ा वेलकम वगैरह कहंदे ने आप अंग्रेजी बर्गर लोग वेलकम जी ऐसे पंजाबी कहने जी आया ऐ साडा पंजाबी दा जी आया जी आया ठीक जी ए किस्म दी अगले बंदे दी बड़ी असी इज्जत च कहने जी आया यार ताडा सी तानू खुशामदीद कह रहे है ते डिश चोक के इधरों इधर क्यों रख रहे डिश नहीं यार एक रोटी का क्यों कह रहे हैं क्या वाकई मैं भूख लगन लग गई पिछो असि बिलोंग करने पंजाब दे विच तुहानू पता है रोटी इस तो बगैर तो गुजारा ही नहीं ना मिनट बाद सानू भुख लग जाती हैगी हूँ जिमें पिछले भाई गुजरांवाला दिखों से हूँ गुजरांवाला तुम पता पलवाना का शहर मशहूर ही इसे वजह तो रोटी का तो फिर उन्होंने रोटी की गल तो करनी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अमार चट्ठा। अमार चट्ठा, चट्ठा क्या होता है? चट्ठा हमारी कास्ट है। कास्ट है, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। पंजाब की कास्ट है? जी जी पंजाब में जटों की बड़ी कास्ट में से एक कास्ट है ये। जट होते हैं? जी जी। मैंने सुना जट फायर भी मार देते हैं। फायर मारते हैं, बिल्कुल मारते हैं, जटों की पहचान ही है। जट पे था पर्चे होते हैं ना? तो ये तो पहली बात जो है ना वो एक फेमस है हमारे बारे में कि जटों के सीन ही है। अच्छा मैं ना कराची से आया हूँ तो मुझे ना पंजाबी नहीं आती, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं जब लोगों में बैठा होता हूँ वो जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं ना इरिटेट होता हूँ कि यार मुझे क्यों नहीं आती पंजाबी, ठीक है, मुझे कुछ ऐसे अल्फाज सिखाएं कि कॉमनली मैं पब्लिक में जाऊँ तो मैं बोल सकूँ। कराची से आया सबसे पहले आपको वेलकम यार पंजाबी जो एक मेहमान वेलकम ऐसे नहीं करते रोटी खवा के करते आए लाजमी जहाँ कहेंगे मार रोटी खिलाएंगे मेहमान वो सामने होटल दे जी लाजमी ज़रूर आ जाए कोई मसला नहीं। पहले मुझे पंजाबी सिखाएं। पंजाबी में आप किस तरह की मतलब क्या सीखना चाह रहे हैं आप? यार मुझे नहीं आती कोई वर्ड्स भी नहीं आते तो मैं सीखना चाह रहे हैं पंजाबी। आओ भाई तुम रोटी खवाइए दो बड़ी पंजाबी की पंजाबी ने सब तो कॉमन चीज़ या रोटी खाइए तो खवाइए रोटी खवाइए मेनू रोटी समझ आ गई है खवाइए क्या होता है खवाइए आओ तुम आपको खाना खिलाएं खिलाएं। अच्छा मैं समझा कि रोटी तो बात गाल है मेहमान ने साडे गाल क्यों कर लिया मेहमान और कोई ऐसे अल्फाज के जो मैं सीख सकूं और मैं बोलूं यार ऐसी है मैं आप क्या बताऊं आप मुझे कोई बात करें ना तो मैं आप बताता हूं फिर ऐसी पंजाबी बोलते हैं कोई भी कॉमनली बात मुझे अब पंजाबी नहीं ना समझ आती तो मैं मुझे क्या पता किस तरह बताएं मैं आपको पंजाबी ट्रांसलेट कर दूं मैं मुझे क्या पता कि लोग क्या बातें करते हैं मेरे सामने पंजाबी यार बस मैं नहीं ऐसे मैं तुम क्या आपको क्या बता सकता हूं कोई भी आपको जो लगते हैं कि एक कॉमन अल्फाज हो सकते हैं वो बोलो कॉमन अल्फाज और की हाल चाल है भाई तुम्हारे ठीक हो सेहत भी कैसी है ये ट्रक वजह से पूछ लेना तुम्हें की पता वजह होवे सेहत तुम्हारी तो लग रहा है इनो पेट नहीं लग निकल सकती है मेरे से बो आ रही ओ कराची आए हो कच्छ नंगी की पता होवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्बास। अब्बास ये क्या कर रहे हैं? ये वाइपर है गाड़ियों में वाइपर हैं ये साफ कर रहे हैं। हाँ आज बारिश आई है ना इसलिए। अच्छा बारिश आई है तो वो गंदे हो गए जी फीडर भी पिला लिया करें? नहीं फीडर नहीं पिलाया करते इनको रोटी नहीं खिलाते? नहीं रोटी तो खुद खाते हैं। अच्छा आप खुद खाते हैं तो इनको क्या खिलाते हैं? इनको गाड़ियों पे लगाते हैं। इनको गाड़ियों में लगाते हैं यानी कि काम लेते रहते हैं खिलाते पिलाते कुछ ये खाने की चीज़ है ही नहीं ये सिर्फ गाड़ियों पे
गाड़ियों। अच्छा मैं ना बेसिकली कराची से आया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पंजाबी बोलते रहते हैं लेकिन मुझे पंजाबी की समझ नहीं आती, तो मैं चारों थोड़ी सी मैं पंजाबी सीख लूँ सिखा दें यार। पंजाबी नहीं आती यार हमें। पंजाब कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मैं मुल्तान रहता हूँ। मुल्तान भी पंजाब में ही आता है? मुल्तान केड़ा सी अमरीका छटे, वहाँ पे सरायकी लोग भी ज़्यादा रहते हैं ना, वहाँ पे पंजाबी नहीं ज़्यादा चलती। तो पंजाबी सरायकी तकरीबन पंजाबी में ही आ जाता ना? नहीं सरायकी ये पंजाबी में नहीं आती है। ये आप गलत बात कह रहे हैं कि थानू पंजाबी नहीं आती? नहीं आती है, मैनू लगता नहीं आती है। कोशिश करके मुझे सिखा दो थोड़ी बहुत। मुझे खुद नहीं आती। यहाँ पे घूमते पंजाबी दोस्त है ना आपके? समझ नहीं आई उसने क्या कहा लेकिन वो कह रहा है। तो मुझे उर्दू में बताए ना। ये मैं कह रहा हूँ वाइपर साफ कर रहा हूँ मैं। अच्छा वाइपर साफ कर रहे हैं, ये आप समझ आई है। और अब इससे पूछे कितने का लगाएगा, कितने का लाना है, कितने का लाना है? लाना है 2,500 रुपये का। 2,500 रुपये का क्या पूछे? इन्हें दा आया यार। मैं जब से आपके पास बैठे हूँ जो अल्फाज आपने बोले वही पंजाबी के बोले, उसके अलावा मैंने नहीं बोले, मुझे आती नहीं है। आप किधर के हो? मैं कराची का। कराची के आप लगते नहीं। कराची वाले दे की मुंह ते लानता पईयां हुंदियां की मुंह ते 12 बजे हुंदे आ की उन्हां च बो आ रही हुंदी है की हुंदा कराची वाले की आपकी जुबान ही नहीं है। मैं वो वाला कराची नहीं हूं, मैं हैदराबाद और कराची के दरमियान में रहता हूं। माल तो एक ही है ना कराची का? नहीं, उनकी हैदराबादी है इनकी कराची है, मैं दरमियान में रहता हूं, मेरी मिक्सअप हो गई। तो आप दरमियान में क्या करते हो? उधर दरमियान में जो वो समुंदर का किनारा ना उसे रोक के धक्का रख लगा के रख। सलाब आया और फिर इसलिए आप इधर आ गए हो? हाँ मैं इतने आ गया, सलाब आ गया। सलाब तो बच के इतने आए? सलाब तो उतो मैं सलाब तो बच के इतने आया, मैंने सलाब लग गया। पानी का सलाब से अलग का सलाब इतो बच के कितने जाओगे? मैं हूँ इतने पंजाबी से के इतने ही रहना। आपको पंजाबी आती है? यार मैनू पंजाबी नहीं आंदी, थोड़ी सिखा दो यार। 35 तरीक नु आई बरात नु सिखा देंगे थल्ले बैठ बैठ। हैं 35 तरीक नु आई सिखा देंगे। पेन की मतलब की है? मतलब वही जेड़ा परसों होएगा जी। परसों क्या 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 रहे क्या कह रहे हैं कुछ लो मैंने क्या कह रहे हैं आपको नहीं पता लग रहा? मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कहा। आपको नहीं पता? मैंने पंजाबी सीखनी है, इस भाई को पंजाबी सिखाओ। भाई आप पूरा कारीगर है। इंटरव्यू लैन आया तो उन्होंने पंजाबी नहीं आती? मैं कराची से आया हूँ ना, मैं कराची से कराची से आया कराची से आया। अच्छा छालिया भी खाना कहाँ से मिलेगा? क्या छालिया? नहीं छालिया तो नहीं खाते आप, आपके दांत नहीं लग रहे। नहीं मैं स्टार्ट किया ना। नहीं स्टार्ट ना, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया मैं दरमियान में रहता हूँ, तो थोड़ी हरकतें उसकी थोड़ी उसकी। तो फिर बम्बई ले मंगवाऊँ आपके लिए? भाई आप मंगवाएंगे ना अपने पैसों से? हाँ फिर खाऊंगा मैं। नहीं पहले पंजाबी 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 थोड़ी पंजाबी सिखा दे। बोल तो रहे थे जब मैं आया हूँ। मैंने पंजाबी बोली है? थोड़ी नहीं, मैंने थोड़े से सिखाए हैं वही बोले हैं ना। बाकी भाई ने जो सिखाए हैं वही बोले, मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं बोले। मुझे आती जितनी किसको आती है इतनी किसे, यानी कि आपको भी रात को आती है। नाज़रीन उम्मीद करांगा थानू वीडियो अच्छी लगी हुई, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब, वीडियो नू लाइक शेयर और कमेंट करके मैनू भी दसना पंजाबी किदा बोलनी है। मिलांगे बहुत जल्द एक और प्रोग्राम ना, तक अपने मेज़बान ईशा मिंदो इजाजत, अल्लाह निगहबान।